हेलो एवरीवन, आज एक रिक्वेस्टेड वीडियो बनाना है हमें। हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया है, बंगाली में वो जो मैसेज है, कमेंट है, वो बंगाली में है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं हिंदी में उसे बोल रहा हूँ। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा राइट नाउ। उन्होंने बोला है जो कैसे पोर्ट व्यू और स्कीमेटिक डाउनलोड करें। ओके, तो ये जो बिगिनर्स है उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। जो अगर आपको काम करना है अच्छे से, लैपटॉप हो और डेस्कटॉप हो, आपको तो पहले सर्किट डायग्राम चाहिए, राइट। नहीं तो काम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, हमारे लिए भी होता है। बिकॉज देखो, हम दो एक तीन जगह हम लोग ढूंढ सकते हैं जो हाँ ये पार्ट में ये वोल्टेज बनेगा, देख के हम बता सकते हैं। बट सम टाइम ऐसा होता है जो बोर्ड नहीं होने, बोर्ड व्यू और स्कीमेटिक नहीं होने के वजह से हम लोग कन्फर्म नहीं हो सकते, श्योर नहीं हो सकते। और कई कई जगह ऐसा होता है, आईसी वगैरह का रिक्वायरमेंट चेक करना पड़ता है, तब हम लोग डेटा शीट को यूज़ करते हैं, तो सम चीज़ हम लोग उधर से हमारा मिस हो जाता है, ठीक है। ऐसा प्रॉब्लम आता है, इसलिए जो भी बिगिनर है और जो एडवांस में भी काम करता है उसके लिए स्कीमेटिक तो बहुत ज़रूरी है। बोर्ड व्यू मिले ना मिले, स्कीमेटिक बहुत ज़रूरी है। ओके, सम टाइम अगर आपको डील करना है कोई ब्रोकन कंपोनेंट और बर्न कंपोनेंट से, ओके, तब तो हमारा बोर्ड व्यू भी काम लगता है, ठीक है। सो एनीवे, तो आज जो ये वीडियो है वो इसके ऊपर ही है, जो कैसे हम फ्री में बोर्ड व्यू और जो स्कीमेटिक है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो देखते रहो, मैं इधर पे तीन चार वेबसाइट का नाम बताऊंगा जिधर पे आपको फ्री लैपटॉप डेस्कटॉप का वेबसाइट सॉरी स्कीमेटिक मिल जाएगा। मैं ऑल टाइम ये सब वेबसाइट ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। और जो आपका वेबसाइट पे जो आपका डेटा है वो एकदम ही फ्री है, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। तो सम टाइम ऐसा होता है जो स्कीमेटिक पेड ही होता है, ओके, वो फ्री में अवेलेबल नहीं होता है। सो वो आप फ्री ग्रुप में और फ्री जो वेबसाइट है उधर पे ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेगा। बिकॉज देखो, उन लोगों ने भी पैसा देके ही आपके लिए अरेंज कर रहा है, ठीक है। जो रेवेन्यू जेनरेट होता है हमारा वेबसाइट वगैरह से, उससे वो लोग जो पेड वेबसाइट है उनका सब्सक्रिप्शन वगैरह खरीद के रखते हैं, एंड आप लोगों के लिए वो फ्री प्रोवाइड करते हैं वो सब वेबसाइट, ओके। ये आपके लिए फ्री हो जा रहा है बट उनके लिए फ्री नहीं है, ठीक है। सो जो फ्री नहीं है वो आप मांग सकते हो मुझसे, ठीक है, अगर मेरे पास अवेलेबल है। मैं भी दो एक ग्रुप में कनेक्टेड हूँ, अगर मैं आपके लिए अरेंज करा सकता हूँ तो मैं ज़रूर करा दूँगा, ओके, वो कोई बड़ी बात नहीं है, जो पेड भी है वो भी, ठीक है। तो आपको पहले तो ये ढूंढना सीखना होगा कैसे आप स्कीमेटिक वगैरह ढूंढो, ठीक है। तो सम टाइम हमारा जो वेबसाइट वगैरह है उधर से आपको मोस्ट प्रोबली सम 99% टाइम आपको मिल जाएगा, ओके। अगर स्कीमेटिक अवेलेबल है गूगल में तो ये जो मैं वेबसाइट तीन चार वेबसाइट का बात बोल रहा हूँ उधर पे आपको स्कीमेटिक गारंटेड मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो कैसे, थोड़ा सा फाइंड आउट करते हैं, इसे समझो, ठीक है। और बोर्ड व्यू का क्या चक्कर है, देखो स्कीमेटिक आपका मिल जाएगा 80-90% बोर्ड का, ठीक है, बट 30-40% ओनली बोर्ड का मिलेगा आपका बोर्ड व्यू। तो बोर्ड व्यू थोड़ा कम अवेलेबल होता है, ठीक है। तो कौन सा मॉडल में आपको बोर्ड व्यू मिलेगा ये आपको थोड़ा सा ढूंढना ना सीखना होगा, ठीक है। मैं इस वीडियो में ऑफकोर्स आपको सिखा दूंगा, और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जो हमारा लैपटॉप में आपको स्कीमेटिक वगैरह ज़्यादा मिल जाएगा, ज़्यादा ही मिल जाएगा, ठीक है, 80-90% स्कीमेटिक मिल जाएगा। बट कोई कोई मदरबोर्ड है, जैसे मैंने कल एक वीडियो डाला था R13 का मदरबोर्ड का, तो उधर पे ना कोई स्कीमेटिक नहीं मिलता है, ठीक है। सो ऐसा वाला अगर केस आ रहा है जिधर पे आपको स्कीमेटिक मिल नहीं रहा है, सो आपको खुद ही काम करना पड़ेगा, खुद ही ढूंढ के देखना पड़ेगा सर्किट कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको जेनरल जो कॉन्सेप्ट है सर्किट का, वी इन सेक्शन हो गया,
सर्किट का स्विचिंग सेक्शन हो गया, रैम सेक्शन, सीपीयू सेक्शन, कैसे कैसे वोल्टेज बनता है, कौन सा वोल्टेज सस्पेंड में है, कौन सा वोल्टेज इस 5 रेंज पे है, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। ओके सो आपको अगर आप देख सकते हो गूगल में, ठीक है, आपको कोई सर्किट मिल रहा है, तो वो हो सकता है पेड में है, हो सकता है वो फ्री में है, बट जब हम काम करने बैठे तो 1000 वेबसाइट देखना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, जो कौन सा वेबसाइट पे भाई फ्री मिलेगा, कौन सा वेबसाइट पे हमें क्या बोलते हैं पेड मिलेगा, तो ढूंढ ढूंढ के हम लोग परेशान होते हैं। ठीक है, सो आज चलो आपके लिए थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ मैं। ओके, कैसे आपको ढूंढना है, कैसे काम करना है, सब कुछ। तो मैं आपको मेरा जो लिस्ट है वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो कौन सा वेबसाइट पे आपको फ्री में स्कीमेटिक मिल जाएगा। ओके, तो इधर पे मेरे पास 5 वेबसाइट है। ओके, मैं लिख के रखा हूँ एक जगह पे। पहला जो है वो है स्कीमेटिक एक्स। ओके चलो, तो क्रोम में चला जाते हैं। स्कीमेटिक एक्स, स्कीमेटिक एक्स जो है ना, स्कीमेटिक्स, सॉरी, स्कीमेटिक एक्स, ये स्कीमेटिक एक्स वेबसाइट जो है, इधर पे देखो, एसरॉक, एसर, एप्पल, आसूस, ठीक है, फॉक्सकॉन, ठीक है, जो हम लोग जानते हैं, ठीक है, डेल, ईसीएस, एचपी, लेनोवो, सैमसंग, एमएसआई, सोनी, तोशिबा, ठीक है, तो ये सब कुछ आपका ग्राफिक्स कार्ड का, स्मार्टफोन का, देखो इधर इधर पे बायोस का, ठीक है, पूरा बिन लिंक सबको आपको मिल जाएगा। तो ये जो वेबसाइट है ये आप फॉलो कर सकते हो हमारा, इसके लिए फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड, सॉरी, स्कीमेटिक डाउनलोड के लिए। ओके, ये बहुत अच्छा वेबसाइट है। ई सी एस में अगर आप क्लिक करोगे, देखो इधर पे बोर्ड का पूरा, जो भी ई सी एस का बोर्ड है इधर पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो कितना मॉडल है इधर पे, ये देखो, ठीक है, तो जो अवेलेबल है इधर पे, बहुत डिमांड भी होता है स्कीमेटिक वगैरह का। ओके, सम टाइम इधर पे जो कम्युनिटी है, आप उधर पे सम टाइम लिंक वगैरह भी शेयर होता है। ठीक है, तो जो भी है आपको इधर से मिल जाएगा। आपको इधर पे गीगाबाइट नहीं दिख रहा है, बट गीगाबाइट का भी इधर पे मिलेगा। ठीक है, आप गीगाबाइट का समझो GA H61M-S, ये सर्च करके देखते हैं। ये तो आसूस आ गया, तो आसूस को जो भी मिलेगा। ओके, इधर पे आसूस का बात बता देता हूँ। आसूस को आप जो भी स्कीमेटिक देखना चाहो उसके स्कीमेटिक नहीं मिलता है। आसूस जस्ट रिलीज करता है इसका बोर्ड व्यू। देखो इधर पे लिखा है बोर्ड व्यू, बोर्ड व्यू। ये फाइल जो है, ये एक एक्सटेंशन आपको दिखा देता हूँ, 2-3 एक्सटेंशन से आता है फाइल। इधर पे देखता हूँ फाइल का एक्सटेंशन दिया है कि नहीं, मोस्ट प्रोबली दिया होगा। बोर्ड व्यू, बोर्ड व्यू ये अंदर में आपको मिलेगा। ठीक है, BDB फाइल हो सकता है। ओके, और भी सारा फाइल है। ठीक है, मैं थोड़ा देख रहा हूँ इधर पे कोई भी मेंशन है तो अच्छा होगा आपके लिए, मैं थोड़ा सा दिखा दूँगा। सभी बोर्ड व्यू लिखा है, आप जो भी चाहो डाउनलोड कर सकते हो, ये सभी फ्री है। आपको एवरी बोर्ड का डिटेल्स इधर पे मिल जाएगा, गीगाबाइट भी मिलेगा इधर पे। आसूस की हुआ यार, समझा नहीं, मैं तो इधर से गीगाइट का भी डाउनलोड करता था एक टाइम पे। तो BDB फाइल है, और भी फाइल है एक्सटेंशन। ठीक है, मैं थोड़ा सा, ओके चलो एक रैंडम ले लेते हैं, A61MC है, इसे डाउनलोड करते हैं। ओके, देखो ये रेयर फाइल है, इसके अंदर में ये देखो इब्जेड फाइल है। ठीक है, सो ये जो BDB फाइल और इब्जेड फाइल ये है ना, ये आपको बोर्ड व्यू जो सॉफ्टवेयर है उससे ही रन करना है। ठीक है, अगर आप विंडोज़ 10 और 11 में हो तो आप डायरेक्टली बोर्ड व्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, मैं दिखा दूंगा कैसे इंस्टॉल करना है, किधर से सॉफ्टवेयर मिलता है फ्री में। उधर पे इंस्टॉल करो, ये फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, उसके अंदर में वो चालू हो जाएगा। ठीक है, वो रोटेशन वगैरह कर लो, एवरी कंपोनेंट देख सकते हो, क्लिक करने पे कौन सा कंपोनेंट किधर पे जा रहा है आपको पूरा नॉलेज आ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर थोड़ा सा देखो, 78 का बोर्ड मैं लेता हूँ। ठीक है,
इसे डाउनलोड करते हैं। ओके, ये डाउनलोड चालू हो गया, ये देखो आसुस का, ठीक है। सो इधर पे डाउनलोड हो गया, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, ये हमारा इबजेड फाइल आया। ये इबजेड फाइल नॉर्मली नहीं चलेगा, कोई भी ऐप नहीं है जो चला सकता है। इधर पे आपको सर्च करना है बोर्ड व्यू सॉफ्टवेयर। ओके, ये देखो मेरा सर्च किया गया है। इधर पे ये जो पहला वेबसाइट ही आ रहा है, बोर्ड व्यूअर डॉट नेट, इधर पे आपको क्लिक करना है। और ये आपका सर्किट है, बहुत लोग यूज़ करते हैं, राइट। ये सॉफ्टवेयर को, फ्री सॉफ्टवेयर है, इधर से डाउनलोड कर लो। ये बीटा प्रोग्राम में है राइट नाउ, कोई बात नहीं। इधर पे डाउनलोडिंग चालू हो गया, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, डाउनलोड होने दो। उसके बाद कैसे इसे चलाना है दिखाता हूँ। ये जिप फाइल में डाउनलोड हुआ है, मैं क्या करूँगा, इसे एक्सट्रैक्ट कर लूँगा पहले ही। ओके, ये एक्सट्रैक्ट हो गया, ये हमारा बोर्ड व्यू। जस्ट इधर पे आपको मिलेगा ये जो है, ये एक्सी। ये आपको इंस्टॉल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, मोस्ट प्रोबली ये जस्ट नॉर्मली आपको चल जाएगा, ठीक है, विदाउट एनी ये कॉपी पेस्ट का खेल है। जस्ट ये एक सी फाइल है, बट एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, ठीक है। ये ओपन हो गया, देख सकते हो। ओके, इसका लैंग्वेज कुछ इधर पे डिफरेंट वाला लैंग्वेज आ रहा है, तो इधर से इंग्लिश, तो इधर पे क्यों ऐसा आ रहा है मालूम नहीं। सो ये आपका फाइल है, तो सॉफ्टवेयर है। इधर पे आप जो पहले डाउनलोड किए थे, ये एबजेड फाइल और बीडीबी फाइल जो भी है, इधर पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ये आपका चालू हो गया। ओके, तो आप इसे ऐसे करके इसे आपकी तरह मर्जी से आप रोटेट कर लो, इसे आप मूव कर सकते हो। समझो आपका मोस्ट वाली भी कोर का आपका काम है, तो भी कोर पे चले जाओ, भी कोर पे टच करो। देखो ये पूरा भी कोर का जो भी डेटा अवेलेबल है, पिन बाय पिन वो दिखा रहा है। ये मिडिल पिन ग्राउंड है, ग्राउंड जिधर जिधर जा रहा है वो दिखा रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली आपका, समझो आपका 15 नंबर पिन ब्रोकन हो गया, तो 15 से टच करो, देखो 15 पे एक रजिस्टर कनेक्ट है। रजिस्टर पे रखो तो इधर पे दिखा रहा है, देखो इन्फो पे RAC, इसका मतलब रेजिस्टेंस है 7.5 ओहम, किलो ओम का, के ओहम, 1/16 वाट, ये इसका पावर है, ठीक है। तो ये हमारा पी वी कोर आई आई एम ऑनलाइन पे लगा है, ठीक है। सो ये आपको मिल गया। सो आपको अगर ऐसा सोचो, आपको एक रजिस्टर इधर से बर्न वगैरह हो गया और ब्रोकन हो गया, ठीक है, समझो इधर पे ये PR जो रजिस्टर है ये बर्न हो गया। ओके, आप नहीं देख सकते वैल्यू क्या है, इधर पे देख लो, इन्फो पे देख लो, रेजिस्टेंस वैल्यू है 30K। ओके, सो आप इधर पे रिप्लेस कर दो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। सो ये आपका क्या है, ये आपका बोर्ड व्यू है। आसूस के जब भी आप आसूस के मदरबोर्ड पे काम करोगे, तो आपको बोर्ड व्यू से ही अंडरस्टैंड करना होगा। जो समझो एक सर्किट रैम का आपका वोल्टेज नहीं बन रहा है, ठीक है। ये रैम देख सकते हो इधर पे, P1.5 1V5 डुअल, ओके, फेज लिखा गया है, इसका मतलब ये फेज से कनेक्टेड है, ये फाइनल आउटपुट है, ठीक है। इसका फाइनल आउटपुट देखो, रैम को जो जिधर जिधर जा रहा है, किधर रैम का जो वोल्टेज है वो किधर किधर जा रहा है, देखो येलो डॉट से कनेक्टेड है। रैम स्लॉट पे भी जा रहा है, सीपीयू स्लॉट पे भी जा रहा है, ओके, ध्यान रखो। और रैम का वोल्टेज से और जो वोल्टेज पीसी वगैरह का बनता है वो देखो इनपुट हो रहा है ये दो मॉस्फेट पे, ओके। तो अगर ये गेट है, ये इसका आउटपुट है, आउटपुट देखो पीसीएच में जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका इनपुट, ये इसका गेट, ये इसका आउटपुट, ये आउटपुट किधर पे जा रहा है, हमारा सीपीयू में जा रहा है। देखो सीपीयू का डॉटेड लिखा गया है, एवरी नाम नंबर भी लिखा है, ठीक है। जो भी सीपीयू का डेटा है, कौन सा लाइन का क्या नेम है, सभी कनेक्टेड है। अगर आपका ट्रेसिंग करना है, ये पॉइंट किधर पे जा रहा है, देखो बोर्ड में ये पॉइंट किधर भी नहीं जा रहा है, ठीक है, इधर पे ही एक कनेक्टेड है, बिकॉज ये ओपन सर्किट है। देखो इधर पे कोई डिटेल्स नहीं है। अगर ये टच करोगे इस पॉइंट पे, तो हम देखते हैं, देखो ये पॉइंट, ये रेड पॉइंट हमने टच किया, ये इसके साथ ये कैपेसिटर कनेक्टेड है, जो कैपेसिटर हमारा PCI एक्सप्रेस स्लॉट में जा रहा है। ऐसे आप ढूंढ सकते हो प्रॉपरली, बहुत डीप तरीके से, ओके।
अगर आपको समझो आपके पास बोर्ड व्यू भी है स्कीमेटिक भी है, ओके, तो आप तो बहुत लकी हो। तो आप इधर से सर्च कर सकते हो बोर्ड व्यू, आप स्कीमेटिक पे देख लो आपका नंबर, ठीक है। आप बाद में वो दिखाते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये आपका बोर्ड व्यू हो गया। तो बोर्ड व्यू सॉफ्टवेयर आपने सीख लिया किधर से डाउनलोड करना है, बोर्ड व्यू कैसे आपको जो वेबसाइट मैंने बताया इधर से आपको मिल जाएगा। तो गीगाबाइट मोस्ट प्रोबेबली राइट नाउ इधर पे नहीं मिल रहा है क्या? बिकॉज एक टाइम पे मैं बहुत यूज़ करता था इसे, गीगाबाइट वगैरह की सर्च करने में। चलो ये तो फिर से एसरॉक आ गया। तो H81 तो नहीं मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली, चलो देख लेते हैं। हाँ एक सेकेंड, H60GA H61, वो बड़ा वाला बोर्ड क्या था, MS1 राइट, MS, हाँ ये S1 था, MS1, ओके। चलो इसे एक बार ट्राई करते हैं, GA-H61M-S1, देखते हैं। ये देखो गीगाबाइट, सो ये पूरा गीगाबाइट का पेज आ गया, ठीक है। तो इधर पे आपको देखो ये स्कीमेटिक भी है, इधर पे इसका जो है Z77MD3H, इसका देखो बोर्ड व्यू भी प्रेजेंट है और स्कीमेटिक भी रहे, राइट, सो बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये बोथ कंडीशन पे देखो Z77, चलो डाउनलोड करते हैं, कैसे आपको देखना है इसे आपको थोड़ा सिखा देता हूँ इस वीडियो में ही, बिकॉज कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने डाउनलोड पे इसे छोड़ दिया अभी। अरे यार, यस, अभी इसका जो हम लोग PDF है, ये बोर्ड व्यू जो आसुस का है वो अलग है। आपको दो तरह का बोर्ड व्यू मिल सकता है, एक तरह वो है, एक तरह ये है, ठीक है। ये एक लाइक का PDF है, ओके। PDF पे आपको पूरा पिक्चर मिल जाएगा, दिखाता हूँ कैसा दिखता है। तो पहले इसका जो दोनों ही रेयर फाइल में है आप एक्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है। बोर्ड व्यू जो सॉफ्टवेयर मैंने दिखाया वो अगर आप Windows 7 चलाते हो अभी भी, सो आपको नेट फ्रेमवर्क वर्जन 4 डाउनलोड करना है। जस्ट आप गूगल पे लिखो नेट फ्रेमवर्क, फ्री सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, नेट फ्रेमवर्क 4.0 आपको मिल जाएगा, उसे इंस्टॉल करते ही आपका बोर्ड व्यू स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इधर पे गीगाबाइट का जो मदरबोर्ड है ये देखो 2 आ गया, ठीक है। तो चलो पहले इसका जो नॉर्मल स्कीमेटिक है इसे ओपन करते हैं, ओके। थोड़ा टाइम दो, ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा स्लो चलता है। तो ये देखो गीगाबाइट इधर पे लिखा है, गीगाबाइट का Z77M D3H, ठीक है। तो इधर पे आपको स्कीमेटिक मिल गया, ओके गुड। अभी देखो इधर पे जो हमने बोर्ड व्यू, नहीं ये नहीं, ये बोर्ड व्यू PDF बोर्ड व्यू, ठीक है, ये जो हमने डाउनलोड किया इसे देखो, एक बोर्ड व्यू ही है, एवरी कंपोनेंट डिटेल्स लिखा गया है, देखो लाइक ये PDF फॉर्मेट में है, ओके। मैं फॉक्सिट रीडर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, बट ये क्यों अच्छा है, देखो एक ही साथ आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो समझो आपको देखना है ये जो Q12 है, ओके, इधर पे आप कंट्रोल दबा के आप स्क्रॉल करो, ये बड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। देखो एवरी रजिस्टर का नंबर लिखा है, सो समझो आपको देखना है R137 इसका वैल्यू क्या है, ओके। तो इधर पे फाइंड करो R137, ये मैंने दबाया, ये किधर पे तो टच हुआ है, ठीक है, देखते हैं। ये देखो ये है 13K का एक रेजिस्टेंस, ओके, बिंदा सा फाइन कर लिए। अभी इधर से देखो, समझो इधर पे एक U1 है, ये तो हमारा, आप जानते हैं U1 क्या है, ये है हमारा ऑप एम्प। तो देखते हैं U1 किधर किधर जा रहा है, और देखो इधर पे देखो मोस्ट वाली ये U1 है, ये देखो U1D, D का मतलब मैंने बताया ऑलवेज एक ऑप एम्प पे 4 ऑप एम्प एक्चुअली होता है, एक ऑप एम्प IC के अंदर 4 ऑप एम्प, तो 4 जो ऑप एम्प है
वो ए बी सी डी नाम से है, ये डी वाला पार्ट है फाइनल। देखो 12 एंड 13 इनपुट, 14 आउटपुट। 14 का पिन है ना, 7714 का पिन, सो ये ऐसे आप पता लगा सकते हो, ठीक है। सो जो भी कंपोनेंट आपको ढूंढना है तो आप इधर से ढूंढो, पूरा सर्किट अवेलेबल है। कोई कोई बोर्ड में बैक साइड पे जो हमारा लगा हुआ होता है, क्या बोलते हैं बताओ, थोड़ा कंपोनेंट वगैरह लगा होता है, उसके लिए आपको नेक्स्ट पेज मिल जाएगा, ठीक है। उधर पे थोड़ा वो बैक कंपोनेंट का डिटेल्स मिल जाएगा। तो आपको ये आपका कोर एरिया है DU1, ठीक है। आपको समझो आप Q33 को ढूंढ रहे हो, ओके। ये Q33 आप समझो इसका गेट में वोल्टेज नहीं आ रहा है, आपका इसका जो सॉरी गेट में वोल्टेज है बट आपका ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज पास नहीं हो रहा है। तो आप समझो, समझने की कोशिश कर रहे हो इस किसका सर्किट है, कैसे काम करते हैं। तो Q33 आप जस्ट इधर पे ड्रॉप कर दो, Q33 एंटर कर दो, देखो मिल गया हमें Q33, ओके। तो इनपुट पे देखो इधर पे आएगा वोल्टेज, तो ये वोल्टेज ग्राउंड हो जाएगा, इधर से CPU रिसेट जेनरेट हो जाएगा। अगर ये वोल्टेज ये ट्रांजिस्टर खराब है तो आपको क्या होगा, CPU रीसेट मिसिंग हो जाएगा, ये CPU रीसेट है ये मिसिंग हो जाएगा, राइट। सो ये है PFMRST, ओके। ये PMF का रीसेट सिग्नल है, ठीक है। सो एक सेकंड, पेंसिल। तो ये ऐसे आएगा, इधर पे हिट करेगा वोल्टेज, सो क्या होगा, ये ग्राउंड हो जाएगा, इधर पे जो ट्रांजिस्टर है इसका गेट ऑफ हो जाएगा। ये क्या है, ये उसके बाद वाला ही होगा 34। देखो ये हमारा 34, ये 34 है, ये 33 है, तो ये बोथ मिलके बना रहा है CPU रिसेट। तो ये CPU रिसेट अगर ये मेल फंक्शन किए, अगर ये इसका कोई गलती हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया सीक्वेंस का, तो CPU रिसेट बंद हो जाएगा, आपका बोर्ड में डिस्प्ले नहीं बनेगा, रिसेट प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ढूंढना है, गुड। चलो ये सब कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग हमारे फिर से काम पे लग जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने बता दिया, इधर पे आप सर्च कर लो जो भी बोर्ड वगैरह है आपके पास, ठीक है। ये स्पेसिफिकली आपको लेके नहीं जाएगा, ये आपको थोड़ा सा टाइम देके ढूंढना है। बहुत सारा सर्किट डायग्राम अवेलेबल है, ये 61 का देखो DS2 का मदरबोर्ड है, 61 DS2, ठीक है। 61 का जब मिलेगा सभी 61 का ही मिलेगा, ये D3H है, ठीक है। सो फिर भी और भी है, 110 है, देखो SV S2V, जो भी फ्री में सर्किट अवेलेबल होगा वो आपको इधर से मिल जाएगा। सो इधर पे बहुत सारा बोर्ड है, ठीक है, गुड। तो एक पहला बता दिया स्कीमेटिक एक्स, ठीक है। ये बहुत अच्छा वेबसाइट है, देख लो कितना ये है इसका। एप्पल का भी ये इधर पे है क्या, नहीं एप्पल का नहीं है, एप्पल का जस्ट पिक्चर वगैरह देख के छोड़ दिया, ठीक है। एप्पल का सॉफ्टवेयर इतना ईजिली नहीं मिलता है, ओके। सो आप इधर से डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, ओके। HP आपको सिर्फ 1 GB में लिखा हुआ था। देखो HP का लैपटॉप का सभी बोर्ड का, NV का, पेवेलियन का, ठीक है। नोटबुक जो प्रो है, प्रो नोटबुक है उसका, इधर पे 1 GB, ठीक है, पूरा 1 GB का डेटा। जो भी आपको चाहिए, जो भी बोर्ड है, इधर से आप सर्च कर, तो जो भी फ्री में मिलना है आप स्कीमेटिक एक्स से डाउनलोड कर सकते हो, ओके। फ्री में बिंदास डाउनलोड हो जाएगा। पहला वेबसाइट हमने विजिट कर लिया, ठीक है। सेकेंड वेबसाइट हम लोग विजिट करेंगे, ये है Lab1, ओके। Lab1 Info समथिंग, लैब स्पेस नहीं है, वन से सर्च करते हैं समथिंग, ये नहीं है, ये कोई भी नहीं है, समथिंग Lab1 Info करके है समथिंग, ओके। कम से कम थोड़ा ढूंढ लेता हूँ, ऐसे तो नहीं मिल रहा है, छोड़ो। एक काम करते हैं, Lab1 लिख के स्कीमेटिक, इससे आना चाहिए था बट आ नहीं रहा है। ये है Lab1 Inside, ओके, इन्फो नहीं, इनसाइड, ओके। Lab1 Inside ये हमारा सेकेंड वेबसाइट। इधर पे भी आपको बहुत सारा जो क्या बोलते हैं लैपटॉप का स्कीमेटिक फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो लैपटॉप का बायोस है इधर पे, ठीक है, थोड़ा ऐड वगैरह आता है ऑफ कोर्स। तो इधर पे लैपटॉप पार्ट्स वर्थ भी इसके ये वेबसाइट सेल करता है, ठीक है। फॉर सेल है, फॉर रिपेयरिंग है, ये डायग्राम इधर पे, बोर्ड व्यू स्कीमेटिक, लैपटॉप का स्कीमेटिक इधर पे लैपटॉप में मिलेगा, ठीक है। स्कीमेटिक जो एक्स मैंने दिखाया है वो ज़्यादातर फोकस करता है डेस्कटॉप के लिए,
ये लैपटॉप के लिए, उधर पे लैपटॉप मिलेगा बट इधर पे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, या लैपटॉप स्कीमेटिक। तो ये देखो लैपटॉप का स्कीमेटिक इधर पे आ रहा है, ठीक है। तो आपको जो भी स्कीमेटिक ढूंढना है, आपको समझो एक स्कीमेटिक आपको चाहिए, ठीक है। इधर से चलो सर्च करके देखते हैं, ठीक है, इधर पे आता है नहीं कि मोस्ट प्रॉब्ली हमें समझो लैब वन पे है, तो कोई भी एक बोर्ड इधर पे देते हैं, ठीक है। देखते हैं मॉडल नंबर से Z580 जो है उसका मॉडल नंबर मालूम नहीं पड़ा है अभी राइट नाउ। देखो Z580 का रिजल्ट पे लेनोवो आइडियापैड Z580 इधर पे बायोस अवेलेबल है, ठीक है, इधर पे स्कीमेटिक अवेलेबल है। देखो लेनोवो Z580 का स्कीमेटिक, ओके, ये बीन फाइल अवेलेबल है, ठीक है, स्कीमेटिक डायग्राम। तो समझो आपको स्कीमेटिक डाउनलोड करना है, तो इधर पे चले जाओ, इधर से ये डाउनलोड, रुक जाओ, ये आ गया आपका PDF, ओके, ये आ गया आपका PDF। देखो ये आपका Z580 का लेनोवो का मदरबोर्ड का आपका मिल गया स्कीमेटिक, ठीक है। बिंदास आप इधर से डाउनलोड कर लो, ये डाउनलोड ऑप्शन पे मिल जाएगा आपका स्कीमेटिक, ठीक है, अच्छा है ना, कोई नहीं देगा, ठीक है, ये सब जो है सब जानते हैं बट कोई बताएगा नहीं, ठीक है। तो बायोस इधर से मिल रहा है, देखो इधर से डाउनलोड करो बायोस, इधर से बोर्ड नंबर भी लिखा है, ये देखो रेयर फाइल में मिल गया हमें। दो है हमारा विनबॉन्ड का IC इधर में, एक छोटा सा जो हमारा EC बायोस है, ओके, वो, और ये हमारा मेन बायोस है, बहुत फाइल मिल गया, इधर से डाउनलोड कर लो, ठीक है, मैं अब डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। देखो इधर पे बोर्ड नंबर भी मेंशनड है, आप बोर्ड नंबर मिला लो, वर्षन ई का मदरबोर्ड है, ओके, बहुत अच्छा है, राइट। चल तो ये आपका हो गया लैब वन, ठीक है, सर्च करना है लैब वन इनसाइट, ओके, lab1insight.com, ये बहुत अच्छा वेबसाइट है। तो हम लोग अच्छे अच्छे वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, इसे आपको याद रखना है और बहुत काम आएगा, ठीक है, बहुत काम आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज़ ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ढूंढने पे मिलता है, बहुत मेहनत पे ये मिलता है, बट सब जानते हैं कोई नहीं देता है, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे आली सेलर पे, ठीक है, ये आली सेलर है, ये आली सेलर भी एक बहुत वाइड वैरायटी का लैपटॉप का मदरबोर्ड का रखते हैं डेटा, ओके, बहुत वाइड वैरायटी है इनका। आपको इधर से देखो ये लैपटॉप का बायोस, ये लैपटॉप का स्कीमेटिक, देखो पूरा ब्रांड बाय ब्रांड मेंशन है, जो भी ब्रांड का चाहिए समझो, देखते हैं क्या है, ये लेनोवो, ठीक है, लेनोवो एन आइडिया पैड, चलो लेनोवो पे थोड़ा देखते हैं जो सर्च किया था वो क्या इधर पे अवेलेबल है। एक ना एक जगह मैं जो भी आपको बोल रहा हूँ उसका एक ना एक जगह पे आपको ज़रूर इसका स्कीमेटिक आप जो ढूंढ रहे हो, ओके, उसका स्कीमेटिक आपको मिल जाएगा Z580। सो जो भी ढूंढ रहे हो, ठीक है, ये देखो इधर पे मैंने दबाया तो आ गया BIOS+EC, BIOS+EC, BIOS+EC ऑल रिजल्ट। हम लोग देख लेते हैं इधर पे क्या मिला, इधर पे देखो ये है हमारा क्वांटा का मदरबोर्ड है, सो ये Z580 क्या है, स्कीमेटिक। ये इसके बाद बायोस, बायोस ये रिविशन जी के लिए है, ये नॉर्मल है, ये 580 LZ3 है, ये 580 का रिविशन जी है, ये एफ है, ओके, और ये ई है, तीन और भी ज़्यादा, अगर पहले से कंपेयर करो तो और भी ज़्यादा डेटा इधर पे अवेलेबल है, ओके। आपको ये स्कीमेटिक वगैरह चाहिए तो इधर पे क्लिक करो, ये आ जाओगे आली सेलर के वेबसाइट पे, ये डाउनलोड बटन, ओके, वन सेकेंड, एक कॉल आ रहा है, वन सेकेंड, सॉरी, एक कॉल आ गया था, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ओके। सो ये हम लोग इधर पे चले आए, तो ये है क्लिक टू डाउनलोड, इधर पे प्रेस करो, ये आपका लेनोवो का जो सर्किट है मिल गया आपको, ठीक है। सो इधर पे आपको मिलेगा आली सेलर पे बहुत सारा, इधर पे आपको जो बोर्ड है वो मिलेगा, ठीक है, लैपटॉप का बोर्ड में ये आली सेलर बहुत बड़ा काम करता है समझो आपको, ओके। चलो एक आपको चीज़ दिखा देता हूँ, समझो आपके पास एक मदरबोर्ड है, लैपटॉप का बोर्ड, डेस्कटॉप का बोर्ड में तो लिखा हुआ ही होता है कि पूरा बड़े बड़े अक्षर से ये नाम है, राइट,
बट लैपटॉप के बोर्डों में ना थोड़ा सा मॉडल नंबर आपको ढूंढना सीखना होगा। तो इधर से मैं एक पेन ले लेता हूँ, ओके, जिससे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, इससे ड्रॉ कर सकता हूँ, आई थिंक सो। तो ये देखो, इधर पे जो सीडर इंटेल मदरबोर्ड लिखा है, देखो ये सीडर इंटेल MB, ये है इसका नंबर 13269-1, ओके, रिविजन है A00 का, ठीक है। ऐसे आपको ढूंढना सीखना होगा, ठीक है। मैं इसे कैंसिल करता हूँ अभी। एवरी मदरबोर्ड पे ऐसे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ये देखो इंटेल, इंटेल का डेटा लिखा गया है। देखो ये मैंने सैमसंग फ़ोन से M31 से पिक्चर क्लिक किया है, पिक्चर का क्वालिटी अच्छा है, राइट। देखो कितना डिटेल्स पक रहा है, सैमसंग का पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। एप्पल भी मैं यूज़ करता हूँ, उसका भी पिक्चर क्वालिटी बहुत शानदार है, बट ये भी एक बजट फ़ोन में बहुत अच्छा पिक्चर क्वालिटी लगा, ठीक है। या आपके लिए कल मैं स्क्रैप बोर्ड, पहले स्क्रैप बोर्ड का 2-3 पिक्चर लेके आया हूँ, बिकॉज नहीं तो आपको सिखा नहीं पाऊँगा कैसे आपको ये जो स्कीमेटिक है, सॉरी बोर्ड व्यू है, ठीक है, इधर से आपको ढूंढना है कैसे कौन सा आपका कंपोनेंट, किधर से आपको मदरबोर्ड का डिटेल्स मिलेगा। तो देखो इधर पर मदरबोर्ड का 13269-1 है, ठीक है, ये मदरबोर्ड का नंबर है। तो चलो इधर पे आप दबाओ 1369-1, यही था ना, आई थिंक सो, मोस्ट प्रॉब्ली आई एम रॉन्ग, दैट्स वाई, हाँ इधर पे 2 है मिडिल में, दैट्स वाई इधर पे फाइंड नहीं कर सकता। तो चलो 2 ढूंढ रहा है, ये डेल का मॉडल है, देखो मिल गया, सब कुछ है, स्कीमेटिक है, बायोस है, ओके, 5th जनरेशन का मदरबोर्ड, एग्जैक्टली राइट है। तो ये हम लोग चले गए, देखो ये हमारा आ गया मदरबोर्ड, ये हमारा स्कीमेटिक आ गया, ये हमारा आ गया बायोस, ये है और एक बायोस, ठीक है, और ये क्या है, बोर्ड व्यू नहीं, बोर्ड फॉर सेल है, आप खरीद भी सकते हो, ठीक है, अली सेलर से आप बोर्ड खरीद भी सकते हो। देखो ये बोर्ड भी मिल रहा है, ठीक है, ओके, सोल्ड आउट है, ठीक है, 13,000 में ये सोल्ड आउट है, ओके। सो इधर पे सब कुछ मिल जाएगा, जो भी आपको चाहिए उधर पे क्लिक करो, आपको मिल जाएगा, ये बायोस चाहिए, ये स्कीमेटिक चाहिए, स्कीमेटिक ये डाउनलोड बटन, ओके, मिल जाएगा। बहुत ईजी, बहुत सिंपल, बहुत फास्ट वे में आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई पैसा नहीं मांगेगा, ठीक है, फ्री है पूरा। देखो क्लिक टू डाउनलोड, ठीक है, क्लिक करो, डाउनलोड कर लो, गुड। अली सेलर हम लोग घूम के आ गए, बहुत अच्छा वेबसाइट है, राइट, सब मिलेगा। तो देखो इधर पे कितना अच्छा मॉडल, ये मेरा नेक्स्ट बोर्ड है, ये लास्ट बोर्ड है, ठीक है। तो ये देखो इधर पे कितना अच्छा नंबर मेंशन किया गया है, देखो ये R602, ये R2003, ये पहला वाला है R602, ये वाला जिसपे मेरा कर्सर है, ये है R602, ये है R2003, कंप्यूटर पे सर्च कर लो, आपको स्क्रीन जो स्कीमेटिक है मिल जाएगा। ये है RN, RN का मतलब क्या होता है, इसे जो ये होता है ये कंपोनेंट, ये है रजिस्टर नेटवर्क, ओके, इसे बोला जाता है RN 1808, सो ये से सर्च कर लो मिल जाएगा। तो एवरी कंपोनेंट जो बोर्ड व्यू जो प्रोवाइड करता है वो पूरा बोर्ड में ही छाप के दे दिया डेल ने, ओके, ये काम करने में बहुत ईजी होता है इस बोर्ड में, ठीक है। मैंने थोड़ा इसमें क्या बोलते हैं आर्ट वर्क किया है, ठीक है, छोटा वाला पी चैनल मॉसफेट नहीं था तो बड़ा वाला पी चैनल मॉसफेट लगा दिया, ठीक है, चेक करने के लिए क्या प्रॉब्लम है, स्क्रैप में आया था, देखो इधर से कटा है मैंने, बिकॉज ये 3.3 है और पूरा PCH से शॉर्ट है, ओके। चलो चलो इसका नेक्स्ट क्या वेबसाइट है देख लेते हैं, ओके, इसके नेक्स्ट में है इस मैनुअल, ओके, इस मैनुअल पर ज़्यादा नहीं मिलता है, सबसे ज़्यादा जो मिलेगा वो है आपको आली सेलर में, वो है आपको लैब वन में, स्कीमेटिक एक्स में, इधर पे सबसे ज़्यादा मिलेगा। स्कीमेटिक एक्स पूरा डेस्कटॉप कवर करेगा आपका, ठीक है। अभी इस मैनुअल को देखते हैं, इस मैनुअल में आपका एक बहुत अच्छा चीज़ है, इस मैनुअल पे क्या है, देखो इधर पे हमारा है मदरबोर्ड, फ़ोन, ठीक है, टीवी, प्रिंटर, हैंड देन, ओके, इसे हटाओ, ये है डेटा शीट्स, ओके। तो इधर पे ऐसे नाम से दिया गया है, ऐसे आपको नहीं मालूम पड़ेगा, फोरम डेटा शीट, स्कीमेटिक का एक ऑप्शन आता था, अभी तो नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं देखता हूँ।
देखो ये जो एस मैनुअल है, इधर पे आपको जो बहुत अच्छा एक चीज़ है वो है एसएमडी मार्किंग का। देखो हमारे पास बहुत सारे एसएमडी आता है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है समझो 1 AM। ओके, ये बहुत चाइनीज़ कोई भी आप मदरबोर्ड उठा लो, ज़ेब्रोनिक्स और फ्रॉन्टेक को कोई भी उठा लो, ट्रांजिस्टर के बजे जगह पे आपको 1 AM मिलेगा। ठीक है, तो आपको ढूंढना है ये है 1। ओके, ये है 1 का रेंज, तो ये 1 है। इसके बाद आपको ढूंढना है, वन सेकेंड रुक जाओ, ए ए में ए, ठीक है, इधर पे ए में ढूंढना है, ये 1 A लिखा है, राइट। देखो ये ए के रेंज पे 1 A, इधर पे क्लिक करो, देखो सर्च करो, देखो 1 AM मिलता है कि नहीं। ये देखो 1 AM, 1 AM SOT23 पे है, ये डायोड की फॉर्म में है। ठीक है, ये डायोड्स जो है ये इसका मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर्स, ये डायोड नहीं है। लास्ट में लिखा होगा ये क्या है, 1 AM। सो ये डायोड एएनपीएन ट्रांजिस्टर है, जो भी 1 AM है, 1 AM 3 4 है, जस्ट कंपनी डिफरेंस है, बट सभी एन चैनल का आपका एनपीएन का ट्रांजिस्टर है। आप इधर से डाउनलोड कर लो। ओके, समथिंग आपको मिल रहा है ये 1A=, ओके 1A=, तो आपको मिल रहा है आईसी, दिखने में इतना छोटा है, ये पीस है आईसी। ठीक है, ये क्या है, ये एलडीओ रेगुलेटर है। तो ऐसे ये एस मैनुअल को आप यूज़ कर सकते हैं। एस मैनुअल बहुत अच्छा है एसएमडी मार्किंग के लिए, बहुत सारा डेटा अवेलेबल है जो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो W1P जो होता है वो है गीगाबाइट का ट्रांजिस्टर। ओके, W1P, चलो सर्च करते हैं वो है इधर पे है कि नहीं, देखते हैं। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ सभी है, बट बहुत टाइम हमें मिल जाता है W1A। तो ये तो 1W है, तो हम लोग ढूंढेंगे W1 कैसे ढूंढ सकते हैं, देखते हैं। ओके, इधर से ये W, ये 1 ये W1, W1P है वो जो मिलता है, ये देखो W1P, W1P SOT23 का पैकेज में है, NXP का IC है, PNP ट्रांजिस्टर। हाँ, ये PNP कैसे हो गया, ये तो PNP नहीं है, NPN है। तो इधर पे जो मिल रहा है वो नीचे में स्मॉल पी है, हमारे केस में बड़ा पी है, बट इधर पे बड़ा पी नहीं है। सो समटाइम मिलेगा, समटाइम नहीं मिलेगा, मैंने पता है पहले ही बता दिया, बट आप ज़रूर चेक कर सकते हो। आपका अगर कंपोनेंट मिल जाएगा तो आपका बहुत गुड लक है, नहीं तो आपका कंपोनेंट के ऊपर जो भी नंबर लिखा हुआ है उससे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है वो क्या है। ठीक है, तो इसे आप ढूंढ सकते हो। मैं बहुत यूज़ करता हूँ इसे एस मैनुअल का एसएमडी मार्किंग के वजह से। ओके, एसएमडी मार्किंग, इस तरह पे स्कीमेटिक भी मिलेगा, मदरबोर्ड, फ़ोन, मॉनिटर, लैपटॉप। लैपटॉप पे क्या है, लैपटॉप पे स्कीमेटिक है ना, चलो देखते हैं। लैपटॉप्स एसर, एप्पल वगैरह सब कुछ है, बहुत अच्छा। मैं लेनोवो ही पकड़ के चलता हूँ, लेनोवो। यस, इधर पे बहुत सारा मेंशनड है मॉडल नंबर्स। ओके, तो G50 वगैरह देखते हैं, और कुछ भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ये G450 है। ओके, 550 है तो समझो G450, ज़्यादा नहीं है, बट इधर पे भी मिलता है। ये देखो मिल गया इधर पे, मैंने बताया ना स्कीमेटिक, अगेन पहले ना ये इधर पे स्कीमेटिक लिखा हुआ रहता था। ओके, इधर पे ही, बट इधर पे अबे लैपटॉप पे आपको ढूंढना है, ये देखो स्कीमेटिक, ये डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा, ये भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पे आपको डाउनलोड होगा। ओके, ज़्यादा इसका कलेक्शन नहीं है ऑफ कोर्स, मैं बता दिया पहले ही। सबसे ज़्यादा मिलेगा अली सेलर पे। ठीक है, तो इधर पे आपको प्रिंटर, मॉनिटर, मॉनिटर का क्या मिल रहा है, डेटा शीट भाई, सैमसंग क्या मिल रहा है मॉनिटर का, देखते हैं ये क्या है। हाँ, ये तो सर्विस मैनुअल का जैसा कुछ लग रहा है। ओके, हाँ ये सर्विस मैनुअल है, तो ये सब भी मिल रहा है। मोबाइल पे क्या मिल रहा है, चलो सैमसंग, कोई भी एक, बहुत सारा इधर पे दिया गया है GTE 1000 है, सर्विस मैनुअल, ये सब गंदा वाला चीज़, ये हमें नहीं चाहिए, हमें स्कीमेटिक चाहिए भाई। तो आपको लैपटॉप का स्कीमेटिक इधर से मिल जाएगा, जो भी लैपटॉप का ब्रांड, इधर पे एप्पल है, एसर है। ठीक है, एप्पल पे भी कुछ है क्या, देखते हैं। हाँ एप्पल पे भी है, देखो मैकबुक एयर वगैरह है इसमें, क्या है भाई। हाँ सर्विस मैनुअल, सर्विस मैनुअल से मैं क्या करूँगा, स्कीमेटिक चाहिए, तो स्कीमेटिक नहीं मिलता है। ठीक है, इसका तो कॉम्पल का मदरबोर्ड है। ठीक है HP वगैरह में कंपल वगैरह आता है। ठीक है, गेटवे HP,
तो एचपी पे देखते हैं। देखो एचपी का भी बहुत सारा नंबर वगैरह मेंशन है। ओके तो इधर पे 1 2 3 करके इधर पे भी लिखा गया है, पेशाडियो सीरीज़ का है, ओल्ड वाला लैपटॉप का है, कंपेल का सीरीज़ का है। सो आपको ढूंढना है इधर से। ओके तो एस मैनुअल भी फ्री वेबसाइट है। तो हमारा लास्ट वेबसाइट जो है, चलो उधर पे आते हैं, बहुत सारा वेबसाइट इधर पे घुस गया है हम लोग। तो लास्ट जो है ये एक चाइनीज़ वेबसाइट है, चाइनीज़ जापानीज आप बोल सकते हैं, कोरियन। ओके लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आने वाला है तो ट्रांसलेशन करना पड़ेगा ओके गूगल से। ये है IQV77। ओके ये लास्ट वेबसाइट है V77। ये आपको ये ठीक है, ये आई डोंट नो क्या इसका प्रोनाउंसिएशन है, करते नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ये थोड़ा सा दिखने में कैसा लग रहा है, राइट, ये ट्रांसलेट करना पड़ेगा। देखते हैं जैसे किधर से ट्रांसलेट ना आता था, मैं भी भूल गया किधर से आता था, बताओ भाई लोग, कोई तो बताओ। ये देखो कैसा कैसा लिखा है, राइट, इसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा इंग्लिश में। ठीक है बट हम लोग इधर पे सर्च करते हैं, डाउनलोड सर्च इधर पे लिखा गया है तो सर्च करते हैं। ओके तो चलो देखते हैं Z580 मिलता है कि नहीं। ठीक है सर्च किया, नहीं है। ठीक है इधर पे नहीं है, नहीं है ना, हाँ इधर पे नहीं है। ठीक है Z580 मोस्ट प्रॉब्ली आपको नंबर देना होगा मॉडल का। ठीक है चलो एक और एक स्कीमेटिक इधर पे ले लेते हैं। ये लेनोवो का मदरबोर्ड है NM-A281। ओके चलो सर्च करके देखते हैं NM-A281। अरे इधर पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, मिलता तो था, अभी मिलता क्यों नहीं है इधर पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। चलो और एक सर्च करते हैं डेल का, डेल का मिल रहा है क्या, ये सर है डेल जो है, इसका नंबर डालते हैं इधर पे। सो थोड़ा सा इधर पे तो अभी तो देख रहा हूँ थोड़ा सा कम हो गया, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा चलता था ये 13269-1। ये देखो ये मिल गया। ओके ये मिल गया आपका स्कीमेटिक, लैपटॉप स्कीमेटिक। ये है आपका बटन, डाउनलोड बटन। ओके हाँ ये सब आएगा मोस्ट प्रॉब्ली। कौन सा, अरे कौन सा पेज पे चला गया, क्या हो गया भाई डाउनलोड यही डाउनलोड है। ठीक है थोड़ा सा इधर पे बहुत सारा लोगों ने कमेंट किया है देखते हैं ये क्यों नहीं हो रहा है। हाँ ये तो यही है, यही डाउनलोड। ओके 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 वन सेकेंड, ये ऐसे नहीं, ऐसे मोस्ट प्रॉब्ली आपको राइट क्लिक करके सेव द लिंक ये करना है क्या, मोस्ट प्रॉब्ली। हाँ देखो जिप फाइल डाउनलोड हो रहा है, डेस्कटॉप पे करते हैं सेव। ये देखो हाँ हाँ कीप करो। चलो इसके अंदर इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑल, इसके है इसके अंदर है क्या, ये देखो स्कीमेटिक। ओके इधर पे टच आपको राइट क्लिक करके सेव एज लिंक करना है। ओके ये आपका स्कीमेटिक मिल गया, बहुत अच्छा। ठीक है सो इधर पे भी आपको फ्री वेबसाइट में फ्री मिलेगा। ठीक है कम है बट है, ठीक है जो भी है फ्री में मिलेगा। समटाइम इस वेबसाइट पे मिलेगा, वो अदर वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, नहीं। तो आपको जो मैंने दिखाया स्कीमेटिक एक्स, लैब वन इनसाइड, आली सेलर, एस मैनुअल एंड IQV77। ठीक है इसे आपको 5 वेबसाइट आपका दिमाग में आप रख लो आपका काम बन जाएगा। ओके सॉरी सॉरी तो अभी तो इस वेबसाइट को काट करते हैं। अभी देखो इधर से समझो आपके पास एक मदरबोर्ड है, ओके लैपटॉप का मदरबोर्ड है, आप इतना वेबसाइट पे आप सर्च कर सकते हो। बट आप एक काम करो जो आपके लिए इजी होगा, ठीक है। आप ये मैं बोर्ड ले रहा हूँ, थोड़ा गंदा वाला बोर्ड है, तो ये है LA9531P। ठीक है ये हमारा एसर का बोर्ड है LA9531P।
ठीक है, चलो इसे सर्च करते हैं। देखो हमने डायरेक्टली जिस बोट को सर्च किया तो पहले ही आली सेलर का आ गया। हम जानते हैं ये फ्री है, विनाफिक्स आ रहा है, विनाफिक्स पेड है। ओके, आपको मिला गया नहीं इधर से, अभी सब ये सब आप जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सभी पेड है। ठीक है, जस्ट दो वेबसाइट है, इसमें एक पेड एक फ्री। तो इधर पे आपको मोस्ट प्रोबेबली चाहिए क्या, समझो आपको चाहिए स्कीमेटिक, तो आप स्कीमेटिक सर्च कर लो, आली सेलर दे रहा है। चाहिए आपको बायोस, ओके, बायोस जो है वो अभी एवरी टाइम एवरी जगह पे मिलता नहीं है, बिकॉज बायोस का बहुत करप्शन का खेल है। ठीक है, देखो इधर पे आली सेलर बायोस भी दे रहा है, ठीक है, डस्ट डाउनलोड कर लो इधर से, गुड। और वन सेकेंड, समझो इसका बोर्ड भी हो चाहिए, मिलता है क्या, देखो देखते हैं। मैंने बताया बोर्ड व्यू बहुत कम है, 40-50% बोर्ड में मिलेगा। तो इधर पे देखो अभी क्या आया, वन लैब का फोरम आया, लैब वन का, तो लैब वन पे हम लोग आ गए। इधर पे हम लोग बोल रहे हैं बोर्ड व्यू है, चलो डाउनलोड करके देखते हैं, ये बोर्ड व्यू है, ठीक है, 9531P का, ओके, बहुत अच्छा। तो जो वेबसाइट बताया उधर से ही मिल रहा है हमें, ठीक है, उधर से ही हमें मिल रहा है आपका जो भी फ्री वगैरह है। ठीक है, ये BDB फाइल है, मैंने बताया BDB जो है वो वेब्स आपका टूल से ओपन होगा जो मैंने पहले दिखा दिया। ओके, चलो इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ये BDB फाइल है, ठीक है, ये कभी भी नहीं नॉर्मली ओपन होगा। इसके लिए आपको क्या ओपन करना पड़ेगा, बोर्ड व्यू सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो बोर्ड व्यू मैंने पहले ही ओपन करके, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला है, ओपन करके दिखाया था, उसे आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, वेट कर जाओ, उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ठीक है, ओपन होगा, थोड़ा सा वेट कर जाओ, बिकॉज ये एक्सट्रैक्शन नहीं था इसलिए मैं डायरेक्टली इधर से रन किया। चलो एक्सट्रैक्ट वाले से रन करते हैं, क्या हुआ मालूम नहीं, चालू तो होना चाहिए था उधर से, क्यों नहीं हुआ, ये आ गया। देखो ये पहला वाला हमारा केस, ये हमारा BDB फाइल, ये मैंने डाल दिया इधर पे, ये आ गया ना आपका बोर्ड, पहचान सकते हो। देखो मैं ट्विस्ट कर देता हूँ इसे, ओके, ऐसे समझो बोर्ड है और ये आपका पिक्चर है, ठीक है। सो देखो एक सेकेंड, ये आपका टॉप व्यू, ये बटन व्यू है, ये इसे अब इधर पे आपका IO है, ठीक है, देखो ये आपका IO, ये आपका ये है IO, ये है आपका रैम स्लॉट, DM2 जो है, DVM2, इसके बाद ये हार्ड डिस्क का कनेक्टर, ये हार्ड डिस्क का कनेक्टर, ये आपको जो बोर्ड है वो आपको मिल गया, ठीक है, मिरर इमेज में है और कुछ भी नहीं। तो ये भी आपको ऐसे आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है, आप ऐसे रोटेट कर सकते हो, आप इसमें जूम कर सकते हो स्क्रोल से, ओके, जो स्क्रोल है माउस का उससे, और टॉपर बटन इसका एक साइड दो साइड आप देख सकते हो, समझो इधर पे कोई भी पॉइंट आपको चाहिए। ये है L67, ये क्या है, इंडक्टर है, ठीक है, क्या करंट वगैरह क्या ये ले जा रहा है, देखो 1.8 VSD GPU के लिए लगा है, ओके, किससे बन रहा है, इसका इनपुट एक नंबर पे 1.8 है, आउटपुट पे, तो आउटपुट पे है ये प्लस VDD, ओके, AVDD का सप्लाई, तो हो गया इसका भी। तो आपको जो भी सर्च करना है आपको गूगल में सर्च करना है, और जो मैंने वेबसाइट बताया उसमें से अगर मिल रहा है तो आप इजीली जा सकते हो, वो फ्री होगा। बट समटाइम ऐसा होता है कोई कोई केस पे आपका कोई और एक वेबसाइट में भी आपको फ्री में दे दे, ओके, समझो एक मेरा जैसा बंदा है, मेरे पास अवेलेबल है तो मैं इंटरनेट पे दे रहा हूँ, ठीक है, फ्री में। सो आपको सर्च करना है, देखो समझो आपको H81M-S जो छोटा वाला मदरबोर्ड है इसका स्कीमेटिक चाहिए, ओके, मोस्ट प्रोबेबली ये कोई भी फ्री वेबसाइट, बिकॉज ये फ्री नहीं है, कोई भी वेबसाइट पे ये नहीं मिलेगा। कैसे आपको ढूंढना है, अगर फ्री में कहीं भी अवेलेबल है कैसे ढूंढना है, तो आपका नंबर दे के आप स्कीमेटिक डाउनलोड कर लो। इधर पे देखो पहले ही आ रहा है विनाफिक, विनाफिक मैंने बताया ये फ्री नहीं है, राइट, ये देखो लैब वन पे जो आ रहा है ये है S2P का,
अभी आपका बहुत सारा वेबसाइट इधर पे तो दिख रहा है जिधर पे पीडीएफ फॉर्मेट में है, बट कौन सा फ्री है ये मालूम नहीं। तो आपको जो स्कीमेटिक चाहिए ठीक है, आप पहले ऐसे जो आपका पिक्चर है उधर पे आप ढूंढ सकते हो, ऐसा कोई पिक्चर वगैरह शो हो रहा है नहीं कि हो रहा है कि नहीं ठीक है, ये इधर पे देखो शो हो रहा है, हो रहा है तो इधर पे दो घुसो इस वेबसाइट पे, देखो इसका क्या इसका कंडीशन है, पैसा मांगता है कि नहीं, दिख रहा है नॉट अवेलेबल। ओके तो नॉट अवेलेबल क्यों है आई डोंट नो, ठीक है चलो इसे प्रेस करके देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये सभी जाएगा, देखो साइन इन पे जा रहा है, इसका मतलब पैसा। ओके पैसा का खेल। ओके तो अभी हम लोग ढूंढेंगे इसे ठीक है, ये मिलेगा कि नहीं, कोई भी ऐसा कोई भी एक वेबसाइट है क्या जिसमें फ्री है, देखते हैं। राइट ये बोर्ड है फोर्थ जनरेशन का 81, इधर पे बोल रहा है बायोस का बिन फाइल है, स्कीमेटिक है, डाउनलोड करते हैं। ये देखो रेयर फाइल में मिल गया, ये क्या है बायोस है, बायोस से हम क्या करेंगे, इधर पे बायोस दे रहा है, बायोस तो हमें गूगल पे नहीं मिलेगा तो भी चलेगा बिकॉज हम लोग बना लेंगे बायोस। ओके तो ये और एक वेबसाइट है KU PDF, इधर पे लिखा गया है डाउनलोड, चलो डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कोई भी वेबसाइट दे देगा तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, ये वेबसाइट दे रहा है मोस्ट प्रोबेबली। ओके चलो देखते हैं, ये प्रिपेयर कर रहा है ठीक है, वी आर प्रिपेयरिंग योर डॉक्यूमेंट, यह है H81MS1 स्कीमेटिक। ओके ठीक है चलो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करके देखते हैं ये बना सकता है कि नहीं हमारे लिए ठीक है, अगर बना लेगा ठीक है तो बहुत अच्छा, ये वेबसाइट पे आपको ये मिल गया। तो सॉप कौन सा वेबसाइट पे, देखो डाउनलोड हो गया, कौन सा वेबसाइट पे आपको मिलेगा ये आपको मालूम नहीं तो थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। देखो जो वेबसाइट जो पेड था वही वेबसाइट ने हमें फ्री में दे दिया, ठीक है ये 81 का ही है, देखो इधर पे गुड गुड। चलो तो हमें ढूंढने से ऐसे भी मिल सकता है, ये मैंने नहीं जानता था KU PDF, बट KU PDF पे हमें मिला, बहुत अच्छा है। बट सम टाइम ऐसा होगा जो आपको नहीं मिलेगा, वो पेड ही है ठीक है। मेरा पहला वीडियो देख लो जो मैंने यूट्यूब में अपलोड किया था, वो 110 मदरबोर्ड का था ठीक है, तो GA-H110 ये है H110MS2, देखो स्कीमेटिक किधर पे दे रहा है, विनाफिक्स पे है, बट आपको पैसा देना पड़ेगा विनाफिक्स। ये भी मैंने पहली बार जो देखा था उधर पे देखा था, ये फ्री नहीं है राइट, इधर पे बायोस मिल रहा था, इधर पे भी अभी भी बायोस ही मिल रहा है ठीक है, ये स्कीमेटिक है। चलो डाउनलोड करते हैं, देखते हैं डाउनलोड होता है क्या। अरे ये तो फ्री में दे दिया, नहीं ये S2P है, S2 नहीं है, ये S2P बहुत कॉमन मदरबोर्ड नहीं है, आपको जो मिलेगा वो है S2, तो ये आपको फ्री में नहीं मिलेगा भाई ठीक है। देखो इधर पे पिक्चर में देखते हैं। ओके ये बोर्ड व्यू आप देख के ही बता सकते हो, ऐसा बोर्ड व्यू है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको बोर्ड व्यू मिल गया ठीक है, देखते हैं बोर्ड व्यू डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं। 100 RUB है, ये रूबल में भी, ये रूबल है करेंसी फ्री नहीं है, तो किधर से फ्री ढूंढूँ। ये एक वेबसाइट, ये तो मैंने पहले गया था, इसमें पैसा लगता है, फिर से एक बार देख लेते हैं सब जगह किधर पे, यस ये पैसा लगता है। चलो तो ये एक बोर्ड व्यू है, ये भी वही वेबसाइट दे रहा है, पैसा लगता है तो आपको नहीं मिलेगा ये ठीक है, ये जो बोर्ड व्यू है ये आपको नहीं मिलेगा मार्केट में, ये आपको पैसा दे के ही खरीदना पड़ेगा, इसलिए ये बोर्ड व्यू मेरे पास अवेलेबल है। ओके मैंने पैसे दे के ही खरीदा है ठीक है, फ्री में नहीं मिला है भाई, ऐसा नहीं होता है, फ्री में सब कुछ मिल जाएगा तो ये वेबसाइट कैसे कमाएगा। ये सब भी हमारा वैसा ही है ठीक है, इधर पे देखो बोर्ड व्यू एंड अवेलेबल है, मेरे पास बोर्ड व्यू है बट आपको लॉग इन पासवर्ड डालना पड़ेगा ठीक है, सो ये भी आपको पैसे दे के मिलेगा। सो जो भी है वो समटाइम आपको फ्री में मिल जाएगा, समटाइम आपको पैसा देना होगा, बट आपको थोड़ा सा देखना सीखना होगा कैसे। मैं इसके पहले वाला केस में 81 के केस में कैसे मैंने ढूंढा, तो जो भी चाहिए वो स्कीमेटिक और बायोस और बोर्ड व्यू आप मॉडल नंबर के बाद लिख दो, और इधर पे जो भी वेबसाइट है ढूंढ लो। अगर मैं जो वेबसाइट मैंने बताया वो
आली सेलर हो गया, क्या बताओ, आली सेलर हो गया आपका, स्कीमेटिक्स एक्स हो गया, लैब वन फोरम हो गया, ठीक है, एस मैनुअल हो गया। अगर उधर से मिल रहा है तो आप एक बार में ग्रैप कर लो, वो स्कीमेटिक हो, बायोस हो, बोर्ड व्यू हो, फ्री में आपको गारंटेड मिल जाएगा, राइट। और IQV जो मैंने बताया, IQV 77, ओके। बट अगर उसमें नहीं आ रहा है आपका, ओके, तो आप पिक्चर में जाके देख लो, ऐसा स्कीमेटिक का जैसा दिख रहा है, कौन सा लिखा है, देखो इधर पे गीगाबाइट का एस्टून, चलो इसमें देखते हैं, ऐसे विजिट करते हैं, ओके, वेबसाइट पे देखते हैं। वेबसाइट अगर दे सकते तो बहुत अच्छा है ना, 1.1 MB का है, बट ये यूरो है, ठीक है, इसे भी पैसा देना पड़ता है, ओके। तो ये आपको स्कीमेटिक कभी भी फ्री में नहीं मिलेगा, जितना आप ज़्यादा एडवांस मदरबोर्ड में जाओगे वो आपको स्कीमेटिक वगैरह नहीं मिलेगा, बट ये स्कीमेटिक मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं मुझको टेलीग्राम कर लो, अगर मेरे पास अवेलेबल है तो मैं 100% उसे प्रोवाइड कर दूंगा, फ्री में प्रोवाइड करूंगा, ओके, पैसा नहीं लूंगा, मैंने पैसा दे दिया आपका, फिर आपको आपके साथ पैसा लेके क्या करूंगा मैं, मेरा तो जो काम था वो हो गया, तो आपको भी दे दूंगा, ठीक है। आप जो सब्सक्राइबर लोग हो, ठीक है, आप ये दिखाना होगा, हाँ सब्सक्राइबर हो, सब्सक्राइब करके फिर आना, ठीक है, ऐसे सब्सक्राइब नहीं होगा तो कैसे, देखो ये मैं दूंगा, सबको दूंगा, ठीक है, बट थोड़ा सा भाई सब्सक्राइब वगैरह कर दो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आपका, पर थोड़ा कर दो भाई, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट डाल दो भाई आपका सब्सक्राइबर हो, मैं देखूंगा, एक सब्सक्राइबर इंक्रीज किया तो दे दूंगा, फिर से डिक्रीज कर लेगा तो आपसे डिलीट कर दूंगा वो। चलो मजाक की बात छोड़ो, मैं मुझको टेलीग्राम करो, मैं ज़रूर, मेरे पास होगा तो मैं डाउनलोड करके आपको दे दूंगा, अगर अरेंज कर सकता हूँ तो अरेंज कर दूंगा, अगर अरेंज नहीं कर सकता हूँ, डाउनलोड नहीं कर सकता हूँ, पेड है मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं भी कोई थोड़ा सा दो तीन पेड ग्रुप में कनेक्टेड हूँ, ओके, नहीं तो ये सब कैसे मिलता, ठीक है। अगर वो मिल जाता है तो आपको फ्री में ही दे दूंगा, ठीक है, बट ये समझो कि एवरी टाइम नहीं होगा, सम टाइम ऐसा होता है बोर्ड व्यू स्कीमेटिक कुछ भी नहीं अवेलेबल होता है, सम टाइम ऐसा होता है अवेलेबल होता है बट मेरे पास अवेलेबल नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम दो मैं देखूंगा, 2 दिन टाइम दे दो, ये लिख दो ये चाहिए, मैं 2 दिन टाइम दे दो, मेरा कम्युनिटी पे बहुत सारा हम लोग जो टेक्नीशियन है वो कनेक्टेड है एक ही ग्रुप पे, तो हम लोग थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे, कोई किसी के पास होगा तो हेल्प कर देता है, ऐसे ही काम बनता है, आपके पास है तो आप मुझे दे दो, ठीक है, जब कम्युनिटी 1000 का हो जाएगा मैं एक टेलीग्राम का ग्रुप बना के एक फोरम वगैरह क्रिएट कर दूंगा, ओके, उधर पे जो भी जिसका भी चाहिए ज्वाइन कर जाओ, जिसके पास जो अवेलेबल है वो रखो, बोर्ड आए तो बोर्ड का एक अच्छा वाला ऐसा पिक्चर क्लिक करके रखो पहला, ठीक है, ऐसा वाला एक पिक्चर क्लिक करके रखो, जितने जूम करोगे तो प्रॉपरली उसका वैल्यू दिखना चाहिए, बिकॉज एक बोर्ड आ गया जिसमें ये आर रेजिस्टेंस टूटा है और इधर पे मोस्ट प्रॉब्ली लिखा भी नहीं है क्या है, स्कीमेटिक भी नहीं मिल रहा, उधर पे बहुत काम आ जाता है, तो एक पिक्चर आप फोन में अच्छे से अच्छे लाइटिंग में सनलाइट में आप पिक्चर क्लिक करके रखो, बायोस को एक बार आप कॉपी कर लो, जो भी मदरबोर्ड आए उसका बायोस कॉपी कर लो, ओके, ऐसे ही आपका बायोस का बोर्ड का एक क्या बोलते हैं एक लाइब्रेरी बना लो आपका कंप्यूटर में, मेरे मेरे पास मोस्ट प्रोबली 5 to 6 thousand बायोस, 10,000 के करीब स्कीमेटिक है, ओके। इसमें भी ऐसा है जिसमें हम लोग फंसते हैं, भाई इसका बोर्ड व्यू नहीं मिल रहा है, इसका स्कीमेटिक नहीं मिल रहा है, इसका पिक्चर नहीं मिल रहा है, तो ये सब आप करो, सब लोग एक साथ कनेक्ट हो जाओगे उस ग्रुप में, जो भी जिसका क्वेरी है डाल दो, जो हेल्प कर सकते हैं कर दो, ठीक है, इससे आपका ही आप हमारा जो कम्युनिटी है ना वो स्ट्रांग होगा, कोई भाई के पास बायोस नहीं है, वो बोर्ड देख रहा है, चेक कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, वो उसके बायोस की वजह से वो कस्टमर को रिटर्न कर रहा है, बिकॉज वो बायोस आपको नेट में नहीं मिलेगा, कोई भाई ने क्या किया, बोर्ड आया तो उसके रिबोग्राम आपका चीप ओपन करके, अभी तो वो क्लिप भी आ जाता है, ठीक है, क्लिप खरीद लो और चीप ओपन करके बायोस से रीड करके सेव कर लो बायोस को, ओके, एक ओके वाला मदरबोर्ड से सेव कर लो, तो आपके पास भी रह गया, और अब जब वो कम्युनिटी पे होगा तब एक भाई को दे दो, उसका काम बन जाएगा, कोई स्कीमेटिक ढूंढ रहा है आप खरीदे हुए हो दे दो, क्या है ना
सबको सभी एक जगह कनेक्टेड होगा तो हम लोग बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। सभी टेक्नीशियन भाई है ना, सभी रिपेयर करते हैं, तो हम एक आप अदर को हेल्प करेंगे। बिकॉज देखो हमारा एक कम्युनिटी है, हम लोग भी जो टेक्नीशियन भाई लोग हैं वो कनेक्टेड है, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप में। मेरा तो इतना दूर तक कनेक्शन है, मैं बताऊंगा तो आप विश्वास नहीं करोगे, ठीक है। मेरा पेरिस, लंदन, आपका अमेरिका, ओके, इधर पे हमारा ग्रुप में हम लोग कनेक्टेड है, ठीक है। सुबह में हम डाल देंगे पेड वाला स्कीमेटिक, बाद में 2 घंटे के अंदर हमें मिल जाएगा फ्री स्कीमेटिक। बट उधर पे आपको मैं ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज उधर पे ज्वाइन करने के लिए थोड़ा सा जो बैकग्राउंड वगैरह है उसमें थोड़ा सा कनेक्शन वगैरह लगता है, ठीक है। वो ऐसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकते आप, ठीक है। उधर से मैं जे बिकॉज ऑफ मैं इस फील्ड में बहुत 10-12 साल से हूँ, रिपेयर करता हूँ, तो उधर पे भी जो भी है टेक्नीशियन वो रिपेयर करता है। मेरे पास भी बहुत सारा है। यही 2 दिन पहले MSI का एक मदरबोर्ड का मैंने स्कीमेटिक भेजा, ठीक है, भेजा जिसको, वो रहता है आपका पेरिस में, ओके, उसको भेजा। तो वो ढूंढ रहा था, ठीक है, मेरे पास टेलीग्राम पे तो बहुत सारा मैसेज आता है, मैं दे देता हूँ, ठीक है, मेरे पास जो भी है। तो ऐसा ग्रुप हमें बनाना है, कम्युनिटी बनाना है जिससे हम एक अदर को हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज ये हमारा फील्ड में ना, जब काम करने बैठो अगर स्कीमेटिक बायोस ये मिसिंग हो जाए, आपको नहीं मिल रहा है, सो आपको दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। और राइट नाउ जो नया वाला मदरबोर्ड है जिसमें बायोस, एक बायोस का ना एक पूरा चैप्टर हो गया, आपको अच्छे से बायोस करना, बायोस के एडिटिंग करना, बायोस को प्रॉपरली माने क्या बोलते हैं चेक करना, ये सब एमी क्लीन वगैरह करना, ये सब एक बहुत बड़ा हैक्टिक काम बन चुका है आज के दिन पे, ठीक है। छोड़ो वो सब बात को छोड़ो, ठीक है, ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं उसके बारे में। तो जो भी आपको नहीं मिलता है वो आप मेरे से पूछ सकते हो, अगर मैं अरेंज करा सकता हूँ, अगर मेरे पास है तो मैं दे दूंगा, अगर नहीं है तो मन भारी मत करो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप आपका नॉलेज के हिसाब से चलो, आप बोट रिपेयर ज़रूर कर लोगे, ठीक है। कर बिकॉज समटाइम ऐसा होता है, मेरे पास भी R13 का मदरबोर्ड मैंने कल ही डाला है, वो नहीं मिला स्कीमेटिक, वो अवेलेबल ही नहीं है। आप इंटेल का मदरबोर्ड का, मैंने कल ही एक सब्सक्राइबर है, ओके, वो राशिया से है, मैंने मुझको बता रहा था इंटेल का एक बोर्ड का स्कीमेटिक चाहिए, ठीक है। मैंने बताया उनका, जो इंटेल का बोर्ड का स्कीमेटिक नहीं मिलता है, ठीक है, कोई भी बोर्ड हो, 61 हो, 81 हो, वो 4131 हो, जो भी बोर्ड हो, इंटेल का बोर्ड में कोई डायग्राम नहीं, कोई आपका स्कीमेटिक नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा, आप पूरा अंधाधुन काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आसूस के बोर्ड बारे में, आसूस का आपको ऑलवेज मिलेगा बोर्ड व्यू, कभी भी स्कीमेटिक नहीं मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो भी कंपनी है वो आपको मिलेगा, डेस्कटॉप के बारे में बता रहा हूँ, आसूस का बोर्ड व्यू मिल जाएगा, समटाइम्स स्कीमेटिक मिल जाएगा, बोर्ड व्यू मिल जाएगा आपका MSI के लिए, ओके, समटाइम, बिकॉज 40-50% से ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। गीगाबाइट का आपका बोर्ड व्यू स्कीमेटिक बोथ बोथ आर अवेलेबल है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम 89% आप पकड़ लो, 89-90% पकड़ लो, ठीक है, आपको मिल जाएगा स्कीमेटिक। और कौन सा बोर्ड है, एसरॉक वगैरह तो ज़्यादा नहीं आता है, उसका भी स्कीमेटिक थोड़ा बहुत मिल जाता है, इंटेल कभी भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और कौन सा बोर्ड है बताओ, और तो ज़्यादा कुछ नहीं है, चाइनीज वाला बोर्ड में कुछ भी नहीं मिलेगा, जेब्रोनिक्स का मोस्ट प्रोबली आपको थोड़ा सा बायोस मिल सकता है, और कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जेबियन बताओ, फॉक्सिन बताओ, ठीक है, और क्या है, जो भी है, लैब केयर बताओ, कोई भी आपको नहीं मिलेगा स्कीमेटिक, ठीक है, आपको खुद ही काम करना पड़ेगा उस वो सब बोर्ड पे, ठीक है। उधर पे PCH, सॉरी, यो जो आयो है वो हटा दिया बोर्ड में से, ठीक है, आयो के जगह में 2-3 ट्रांजिस्टर से उसका RSM रिसेट वगैरह संभाल रहा है पूरा बोर्ड का, तो उसका स्कीमेटिक मिलता तो हमें समझ में बहुत इजी होता, पर राइट नाउ हम नहीं बता सकते। वो देखो हम बता सकते हैं वो क्या कर रहा है, वो जो कंपोनेंट है वो क्या कर रहा है, बस उसका कंपोनेंट का डेटा किधर जा रहा है, वो कौन सा कंपोनेंट को कंट्रोल कर रहा है और कौन सा कंट्रोल को एनेबल कर रहा है, हमें तो वो मालूम नहीं ना, तो हम लोग सर्किट को समझने में हमें बहुत परेशानी होता है। तो चलो भाई,
अभी वीडियो को इधर ही क्लोज करते हैं। ओके, आशा करता हूँ आपको मोस्ट ऑफ द जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए था स्कीमेटिक के बारे में वो आपको मिल गया है। ठीक है, तो जस्ट बोर्ड व्यू सॉफ्टवेयर चाहिए, पीडीएफ रीडर चाहिए और आपको ये स्कीमेटिक एक स्लैब वन, ठीक है, स्लैब वन फोरम, आपका एस मैनुअल, आली सेलर और IQV 77 आपको याद रखना है। ठीक है, समटाइम जब नहीं मिलेगा तब गूगल में जाके हम लोग बायोस लिखेंगे, हम लोग स्कीमेटिक लिखेंगे, देन हम लोग सर्च कर लेंगे कोई भी वेबसाइट पे अवेलेबल है कि नहीं। कोई इधर पे आपको बोल रहा है भाई आप लॉग इन वगैरह कर लो, तो लॉग इन वगैरह जब भी करना चाहे बोलेगा तो उधर पे समझो उधर पे आपको पैसा देना पड़ेगा। समटाइम ऐसा होता है जो हमारा जो लॉगिन का जो पेज है उधर पे लिखा हुआ आता है इतना पैसा लगेगा यूरो में, डॉलर में, समथिंग, तो वो छोड़ दो। और एक है बायोस डॉक्टर करके एक है, उधर पे थोड़ा सा बायोस मिलता है, उधर पे पेड ही मिलता है, बट सम टाइम आपको उधर पे भी फ्री बायोस मिल जाएगा। ठीक है, सो चलो भाई वीडियो को इधर ही क्लोज करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो बायोस के बारे में नहीं है तो इसलिए ज़्यादा बायोस के बारे में नहीं गया, बिकॉज बायोस और भी एक कॉम्प्लिकेटेड एरिया है। ठीक है, समटाइम बात करूंगा, जब रिक्वेस्ट आएगा ज़रूर बात करूंगा। ठीक है, तो वीडियो इधर ही क्लोज करते हैं। आशा करते हो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला है अभी। ओके, और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, बिकॉज आपके लिए ऐसा कंटेंट आई डोंट थिंक सो कोई बना रहा होगा जो इतना ब्लांडली आपको बोल रहा है ये मिलता है, ये नहीं मिलता है, ये पेड है, ये कनेक्टेड हो जाओ इस ग्रुप में, ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा। ठीक है, सबका पैसा से ही मतलब है, सब घूम फिर के पैसे पे कनेक्ट होगा। बट मेरे जो विचार है उसमें हम लोग अगर एज ए फैमिली कनेक्ट होगा होंगे तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पैसे से भी। ओके, बिकॉज देखो फैमिली में ना पैसे की कोई बात नहीं होता है भाई। आप अगर दिक्कत में फंस गए हो आप बता दो, आपका बड़े भाई आपका हेल्प कर देगा, आपका पापा मम्मी जो है वो हेल्प कर देगा, राइट। सो वो पैसे के पीछे थोड़ी भागेगा, भाई पैसे दो फिर हेल्प करूँगा। पैसा का चक्कर छोड़ दो, पैसा कस्टमर से कमा लो, ये तो हमारा कम्युनिटी है ना, मैं भी तो डाल रहा हूँ एवरीथिंग फ्री में। ओके, आप आज कोई भी वीडियो में कुछ भी आपको बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, दो तीन साल बाद मैं भी $10 कमा लो, $10 कितना होता है एक डॉलर कितना होता है अभी, 80 रुपीज़, 82 रुपीज़, इतना। ठीक है, क्या होगा, ये आपका हेल्प के पर्पज से है, मेरा एडवर्टाइजमेंट है, मैं बता रहा हूँ मेरा क्या है, मेरा एडवर्टाइजमेंट में, राइट। मेरा एक प्लेटफॉर्म है उधर पे मैं शेयर करता हूँ, इसलिए मेरा बात का थोड़ा वैल्यू है, आप देख रहे हो, आप प्यार दे रहे हो, ये मेरे लिए बहुत है। और मैं फ्री में आपको जो भी मैं जानता हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप भी प्लीज़ ऐसा करो, आप भी मेरे से बहुत कुछ ऐसा है मैं नहीं जानता, आप जानते हो, तो मेरे से शेयर करो भाई। ओके, अदर से शेयर करो, शेयर करो तो ही आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। आप पकड़ के रखोगे वो नॉलेज को तो वो नॉलेज आपके साथ ही चला जाएगा और उस नॉलेज का वैल्यू नहीं रहेगा, देख के चले जाओ। ठीक है, जो भी है अपने पास वो देख के चले जाओ, वो वैल्यू क्रिएट करेगा, वो याद रखेगा। ओके, और वो और 10 जो टेक्नीशियन है उसे हेल्प करेगा। ओके, कोई भी मैटर हो, वो कोई भी वे टेक्नीशियन ऐसा नहीं है, कोई भी फील्ड हो आप नॉलेज रखते हो आप शेयर कर दो। ओके, ऐसा मत समझो जो मेरे पास रखेंगे तो उसका वैल्यू है, नहीं, तभी उसका वैल्यू डिग्रेड है। ठीक है, आप शेयर कर दो उसका वैल्यू डबल नहीं ट्रिपल हो जाएगा। ओके, तो चलो बहुत ज्ञान दे दिया, ज्ञानी बाबा बहुत ज्ञान दे दिया, सॉरी। चलो वीडियो इधर ही क्लोज करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी 360 से ऊपर सब्सक्राइबर चला गया, ये आप लोग क्या जादू कर रहे हो हमें मालूम नहीं, इतना जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ रहा है। अभी तो दो दिन में देखा था 200 के करीब था, अभी 350-60 हो गया। थैंक यू, दिल से धन्यवाद जो भी सब्सक्राइब कर रहे हो, जो देख रहे हो वीडियो। ओके, थैंक यू, आपका जो ये प्यार है ये मेरे लिए बहुत है। ठीक है, थैंक यू। और जो भी आपका क्वेरी हो कमेंट कर दो, मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, तो चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अभी वीडियो को क्लोज करते हैं और कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। ओके, चलो तब तक के लिए बाय। Thank you.